हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे यार, और आप सबकी MHT-CET की एग्जाम बहुत ही बढ़िया गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल। अगर आपको आपके मार्क्स बताए तो आपके परसेंटाइल कितने हो गए, ये देखने वाले हम। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ यार, अभी आपकी MHT-CET की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन मतलब कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, कट ऑफ कितना है, मतलब हमारा नंबर लग सकता है कि नहीं उस कॉलेज में, सब चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी यार, इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मैंने कॉलेज सीरीज डाल रखी है, अभी डालने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बचे अभी कॉलेज सीरीज़ के, महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है सब कवर होने वाले यार। ठीक है, एक भी कॉलेज छूटेगा नहीं। ओके, तो सब्सक्राइब करके रखो यार चैनल को, आपके पास जल्दी मिलेगी वो सीरीज़। ओके, नेक्स्ट चीज़ यार, कैप राउंड के लिए जो जो प्रोसीजर होती है वो आपको समझनी है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होती है, कब ख़त्म होती है। ठीक है, कौन से कितने राउंड होते हैं कैप राउंड में, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी यार, इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मैं टाइम टाइम पर वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, डालता रहूँगा। ठीक है, आपकी पूरी काउंसलिंग होने वाली है यहाँ पे। ओके, अभी बैक टू द पॉइंट आते हैं यार, कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल। ठीक है, तो देखो यार, हम परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें फ्लुएंसी नहीं है, कैसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करता है परसेंटाइल, ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया यार, जिनको जानना है कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, और उनके अगर 50-60 नंबर आ रहे तो अप्रॉक्स परसेंटाइल कितनी होगी। ठीक है, मैं वीडियो के आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं यार परसेंटाइल गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है यार, परसेंटाइल इज इक्वल टू 100 इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन योर मार्क्स। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर इन द एग्जाम। मतलब 100 इनटू जितने लोगों को आपसे कम नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल नंबर जितने बैठे थे स्टूडेंट उस शिफ्ट में, इनका जो कैलकुलेशन होगा वो आपकी परसेंटाइल होगी यार। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर हमें एक अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, मेरे 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, तो मेरी परसेंटाइल कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एनालिसिस के द्वारा लिया है यार। ठीक है, पिछले 2 सालों की एनालिसिस की है उन्होंने, तो उससे ये डाटा निकल के आया है। ठीक है, तो देखो यार, अबो 145 मार्क्स जिसको आते हैं उसकी परसेंटाइल अबो 99.50 से ऊपर होती है। ठीक है, जिसके नंबर 130 से 145 के बीच में आते उसकी परसेंटाइल 99 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मेरे तो पिछली बार इतने आए तो मेरी परसेंटाइल इतनी आई थी। नहीं यार, आपको एक्यूरेट पता नहीं होता आपके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, बहुत महाराष्ट्र में बहुत कम बच्चे हैं जिनके 100 से ऊपर नंबर आते हैं। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, हर एक बच्चे का यही कमेंट था कि सर मेरे तो पिछली बार मैंने MHT-CET दी थी तो मेरे इतने नंबर थे तो फिर भी मेरे कम परसेंटाइल बने थे। नहीं यार, आपने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किए होंगे आपके मार्क्स। ठीक है, वरना महाराष्ट्र में 99.50 से ऊपर परसेंटाइल बहुत कम बच्चों को होती है। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा नंबर लाना मतलब अच्छी बात है यार। ओके, तो अब बात करते हैं, अगर आपके नंबर 115 से लेकर 130 के बीच में तो आपकी परसेंटाइल अबो 98.50 रहेगी। ठीक है, और यही डाटा है यार, यही सच्चाई है। ठीक है, अगर आपके नंबर 100 से लेकर 115 तक है तो आपकी परसेंटाइल अबो 98 रहेगी। अगर आपके नंबर 90 से लेके 100 तक है तो आपकी परसेंटाइल अबो 96 रहेगी। ओके, और अगर आपके नंबर 80 से 90 तक है तो आपकी परसेंटाइल अबो 95 रहेगी यार। और आपके नंबर अगर 70 से लेके 80 तक है तो आपकी परसेंटाइल रहेगी अबो 85। ठीक है, बाकी के मैं नहीं बताता यार, अगर इससे भी कम नंबर किसी के होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसकी परसेंटाइल वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और ये एक अप्रॉक्स डाटा है यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इतने ही आएंगे, इतने एक्यूरेट आएंगे, मैं अप्रॉक्सिमेशन लिया है, पिछले 1 साल के जितने पेपर हुए उन सब के एनालिसिस किए। ठीक है, मैंने नहीं किए, रेपुटेड वेबसाइट से उठाया गया है ये सब डाटा। ओके, तो ये सब चीज़ें थी यार आज के वीडियो में, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते उन बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो गया, जिन बच्चों को पता करना था कि अप्रॉक्स परसेंटाइल मेरी कितनी आएगी इतने इतने नंबर पर, तो उनका क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपसे आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यार। ओके, अगर आपको आप में से किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ यार। ओके, तो यही था आज के वीडियो में।
ख़त्म करते सब चीज़ों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।